अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शुजात खालिद है। करंटली वर्किंग आई एम वर्किंग विद दी ग्रैंड थॉट इन पाकिस्तान एज ए सीनियर एसोसिएट एडवाइजरी और आई एम ए फाइनेंस प्रोफेशनल। लास्ट 7 ईयर से मैं फील्ड में काम कर रहा हूँ। सो द कोर्स कंटेंट इज वॉज रियली यू नो रिच। उसमें हमारे हमने सारे वीक लुकअप्स के कमांड्स, सम इफ एनालिसिस, वर्ड इफ एनालिसिस, गो सीक और एक्सेल के जो बेसिक बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं फाइनेंशियल मॉडलिंग की, वो हमने सारी इस कोर्स में कवर की थी। So after this course, now we think you know we have much active in Excel and in financial modeling and in understanding the mechanism of you know choosing the sheets और उसको कैसे link up करना है, financial model कैसे बनाना है, उसमें input कहाँ देनी है और जो reports generate करनी है उनको आपस में कैसे link up करना है। So this really helped us. और ड्यूरिंग द लेक्चर जो है वो टीचर हमें साथ साथ जो है एक एक स्टेप पे हमें हमारे जो मतलब जो कैलकुलेशंस वो कर रहे होते थे वही कैलकुलेशंस हमारे लैपटॉप पे हुआ करती थी, तो वो मैच उसको करना और फिर उसके बाद थ्रू डिफरेंट कमांड्स और डिफरेंसेस लेके या वो चेक्स लगा के उसको चेक करना कि मॉडल ही हमने जो कैलकुलेटर मॉडल बनाया है वो सही से बना या नहीं बना। इंस्ट्रक्टर जो थे माशाल्लाह, ये हमारे जो टीचर थे, ट्रेनर थे, ये स्पेशली कराची से यहाँ पे आए और दे आर वेरी फ्यू पीपल हु नो द एक्सेल एज वेल एज द फाइनेंशियल मॉडलिंग। सो हमें जो फाइनेंशियल मॉडलिंग का एक्सपीरियंस उनसे मिला इन शर्ट सिर्फ 2 हफ्ते में, हमने जो है वो अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हैं कि काफ़ी कुछ हमने सीखा और ट्रेनर के साथ हमारा बहुत अच्छा स्पेस रहा एंड ही रियली हेल्प्ड अस इन एवरी सिंगल स्टेप ऑफ द फाइनेंशियल मॉडलिंग। सो द बेस्ट टेक अवे इज अब हमने एक ऐसा कंप्लीट फाइनेंशियल मॉडल हमने बना लिया और अब ये है कि वही मॉडल जो होगा हमारा एज ए बेस चलेगा इन टू डिफरेंट इंडस्ट्रीज जो हम फील्ड में काम कर रहे होते हैं। तो अब ये कि हमें एटलीस्ट हमें ये पता कि हमारे बेसिक ग्राउंड जो है एक्सेल के वो कम्प्लीट हो चुके हैं, बेसिक फाइनेंशियल मॉडलिंग हमें पता चल चुकी है। इवन नाउ वी आर थिंकिंग अबाउट कि हम जो है ना सर्टिफाइड फाइनेंशियल मॉडलिंग जो यूके का एग्जाम है हम वो लेवल 1 के लिए अपीयर हों। Well, as I told, I'm working in the advisory. So, financial modeling or feasibility studies or business plans, ये usually हम लोग बना रहे होते हैं clients के लिए. So, मेरा तो core job जो है financial modeling की है. So, that's why I choose this course. और मुझे इसने काफी help out किया है अपने skill को improve करने में. This course is highly recommended, especially to the students of BS Accounting and Finance, MSc Accounting and Finance, जो लोग BBA करते हैं, BA करते हैं, Chartered Accountant, ACCA, CAs, जिनको क्योंकि उनके पास नॉलेज तो होता है, वो हाथ से अपने जो है ना पेजेस पे तो काम कर लेते हैं, बट एक्चुअली फील्ड में तो एक्सेल यूज हो रहा होता है। व्हेन यू हैव टू मेक कस्टमाइज्ड रिपोर्ट्स, आपको फाइनेंशियल मॉडल्स बनाने हैं, फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स बनानी है, आपको फोरकास्टिंग करनी है, नेक्स्ट 6 मंथ का, 1 साल का, 3 महीने का प्लान बनाना है, तो ऑब्वियसली यू नीड एक्सेल और उसमें आपको फाइनेंशियल मॉडलिंग करनी होती है। तो दिस इज अ मस्ट ट्रेनिंग फॉर द अकाउंटिंग एंड फाइनेंस स्टूडेंट्स।